हर एक देश के अपने स्पेशल फोर्सेस होते हैं जो बहुत ही डेडली और डेंजरस माने जाते हैं। जो स्पेशल फोर्सेस होते हैं उनको स्पेशल कामों के लिए हर एक देश यूज करता है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 5 स्पेशल फोर्सेस के नाम बताऊंगा जो इतने डेडली और इतने डेंजरस हैं, जिनका नाम सुनकर बड़े बड़े आतंकवादी, बड़े बड़े क्राइम करने वालों की पसीने छूट जाते हैं। और इनको इतना मजबूत बनाया जाता है कि चाहे पानी हो, चाहे जंगल हो, कहीं पर भी इसका मुकाबला करना लगभग नामुमकिन है। नंबर 5, JTF-2। JTF-2 का मतलब है ज्वाइंट टास्क फोर्स 2। ये एक कनाडियन स्पेशल फोर्स यूनिट है जो 1993 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसका काम काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज को रोकना और साथ साथ में VIP सिक्योरिटी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। JTF-2 के फोर्सेज अपने आप में इतनी डेडली होते हैं कि ये किसी भी VIP को आराम से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और चाहे काउंटर टेररिज्म अटैक हो या फिर टेररिस्ट एक्टिविटी को रोकना हो, चाहे पानी में हो, चाहे जंगल में हो, चाहे कहीं पर भी हो, इन फोर्सेस का सामना करना लगभग नामुमकिन है। नंबर 4, डेल्टा फोर्स को अमेरिका की पहली स्पेशल फोर्स यूनिट मानी जाती है जो 1997 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसका मेन यूज लड़ाई के दौरान दुश्मन के सेनाओं के ऊपर नॉन स्टॉप वार करना या फिर नॉन स्टॉप अटैक करने के लिए किया जाता है। लेकिन समय आने पर इसका यूज टेररिस्ट एक्टिविटी को रोकने के लिए भी किया जाता है। अमेरिका की डेल्टा फोर्स अमेरिका की सबसे पुरानी स्पेशल फोर्सेज में से एक है। नंबर 3, SAS। SAS का मतलब है स्पेशल एयर सर्विस, जो कि ब्रिटेन का स्पेशल फोर्स का एक यूनिट है। SAS 1941 में एस्टेब्लिश हुआ था और ये स्पेशल फोर्स पूरी दुनिया की डेंजरस और खतरनाक स्पेशल फोर्सेस में से एक है। इसका ट्रेनिंग इतना हार्ड और डेडली होता है कि 1000 आर्मी में से सिर्फ 5 लोग ही इसमें सिलेक्ट हो पाते हैं। नंबर 2, US नेवी सेल्स। US नेवी सेल्स अमेरिका के सबसे घातक और खतरनाक कमांडो फोर्सेस हैं जो 1962 में एस्टेब्लिश हुआ था। US नेवी सेल्स की ट्रेनिंग पूरी दुनिया में सबसे टफ माना जाता है। US नेवी सेल्स के फोर्सेस हर एक सिचुएशन, हर एक एनवायरमेंट में शत्रु पे वार करने के लिए माहिर होते हैं। US नेवी सेल्स के कमांडोज को दुनिया के हर एक तरह के गन, हर एक तरह के बॉम्बर, हर एक तरह के हथियार चलाने के लिए तैयार किया जाता है। चाहे पानी हो, चाहे जंगल हो, इसका मुकाबला करना लगभग नामुमकिन है। दुश्मन के ऊपर रात के अंधेरे में साइलेंटली वार करने में ये माहिर है। और मैं आपको बता दूं कि ये वही स्पेशल फोर्स है जो पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। US नेवी सेल्स दुनिया के सबसे घातक और डेंजरस कमांडोज में से एक है। नंबर 1, मार्कोस कमांडो। मार्कोस कमांडो इंडियन नेवी की एक स्पेशल फोर्स यूनिट है जो 1987 में एस्टेब्लिश हुआ था। मार्कोस कमांडो को पहले मरीन कमांडो के नाम से भी जाना जाता था। ट्रेनिंग के दौरान इनको हर एक तरह के हथियार के साथ साथ में कॉम्बैट ट्रेनिंग भी दिया जाता है। ये कॉम्बैट में मास्टर्स होते हैं। कॉम्बैट का मतलब होता है काउंटर ऑन मोशन बिफोर अटैक टाइम। इसका मतलब क्या है कि हैंड टू हैंड अगर फाइट हो या फिर सामने वाले के पास अगर हथियार भी हो तब भी उसको कैसे मार गिराया जाए, उसमें मार्कोस कमांडोज माहिर है। हर एक तरह के सिचुएशन, हर एक तरह के एनवायरनमेंट में, हर एक तरह के जंगल में, हर एक तरह के पानी में मार्कोस कमांडोज लड़ने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। इंडियन मार्कोस कमांडो को न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में सबसे डेडलीस्ट कमांडो या फिर स्पेशल फोर्स माना जाता है। तो यही थे 5 ऐसे स्पेशल फोर्सेस जो सबसे डेडली और सबसे डेंजरस माने जाते हैं पूरी दुनिया में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप इन मिस्ट्री के साथ में जुड़े रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।